वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा और अंतिम दिन आज। सवेरे सवेरे शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, उसके बाद भी कई जगहों पर बेवजह रही लोगों की आवाजाही। कहीं पुरानी मेडिकल पर्ची बनी पास, तो कहीं पर राशन लाने के नाम पर मिली छूट। जयपुर, वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज शाम को सीएम लॉकडाउन या अन्य सख्ती को लेकर कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आज पुलिस कल से ज्यादा सख्त दिखाई दी। आज तो सवेरे सवेरे ही पुराने शहर के अधिकतर स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने के निर्देश भी जारी किए जाते रहे। पुलिस ऑफिसर भी इस फ्लैग मार्च का हिस्सा बने। किसी ने पुरानी डॉक्टर की पर्ची को ही पास बना लिया तो कोई व्यापारी बन गया। आज भी कई बड़े चौराहों और गलियों में पुलिस की गश्त जारी रही। इस बीच कई जगहों पर लोग मिले तो उनसे सख्ती से पूछताछ भी हुई और बेवजह घूमने वालों पर डंडे भी बरसाए। छोटी चौपड़ के नजदीक पुलिस ने तीन युवकों को रोका। उन्होंने डॉक्टर की पर्ची दिखा दी। हालांकि पर्ची 2 से 3 साल पुरानी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने सख्ती की हिदायत देते हुए उन्हें जाने दिया। वहीं कुछ जगहों पर बाइक सवारों को रोका गया तो कईयों ने खुद को किराना दुकानदार बताया और चाबियां दिखाई, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। शहर की गलियों में गश्त व्यवस्था तेज, ताकि बाहर चबूतरों पर भी ना निकले लोग। डीसीपी नॉर्थ परीश देशमुख ने बताया है कि चारदीवारी क्षेत्र में तंग गलियों में भी पैदल गश्त बंदोबस्त किया गया है। शनिवार को भी पुलिस ने 3 से 4 बार यहां गश्त की और आज भी कई बार गश्त जारी रहेगी। गलियों में अक्सर लोग या तो घर के बाहर मिलते हैं या फिर गलियों में कुछ न कुछ खेलते मिलते हैं। कई जगहों पर तो बच्चे तक भी घरों से बाहर रहते हैं। फिलहाल ऐसे लोगों और बच्चों के परिजनों को सख्त हिदायत दी जा रही है। जहां पर बार बार समझाने पर भी लोग नहीं समझ रहे, वहां पर कार्यवाही हो रही है। डॉक्टर की पर्ची लेकर आए, जाने दिया। मानक चैक थाने के नजदीक हवा महल रोड पर पुलिस ने सवेरे कुछ लोगों को रोका। उनसे आने जाने का कारण पूछा तो किसी ने कहा कि वो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं और 2 लोगों ने बताया कि वो मेडिकल स्टाफ है। उनको कार्ड और पर्ची देखकर जाने दिया। 2 अन्य लोगों को बिना किसी कारण बाहर आने के चलते सख्त हिदायत दी गई और वापस भेजा। डीसीपी ने बताया कि जयपुर शहर में लगभग हर थाने का बड़ा स्टाफ फिलहाल लॉकडाउन की पालना में लगा हुआ है। नए नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोग नियमों को ना तोड़े। लॉकडाउन के बाद भी ऐसी तस्वीरें आ रही है सामने, लापरवाही बरत रहे हैं लोग। उधर लॉकडाउन के बाद भी शहर में कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। शहर के बाहरी हिस्सों में कई जगहों पर चाय की थड़ियों और चौराहों पर भीड़ दिखी। सोडाला, मानसरोवर, वैशाली नगर, आगरा रोड पर कई जगहों पर सवेरे मजदूर काम की तलाश में चखेटियों पर खड़े मिले, तो कहीं पर युवाओं की चौराहों पर भीड़ नजर आई। शहर के अंदर एंट्री करने वाले एंट्री पॉइंट्स पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त रहा। जी सर, वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है, इसको लेकर आप सड़कों पे निकले हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे लोगों को? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि कोरोना ने वापस पलटवार किया है और ये वक्त संगठित होकर इससे जंग लड़ने की है, युद्ध करने की है। परंतु ये जंग पुलिस लड़ रही है। आम जनों से मेरा अपील है कि वो घरों में रहें, अनावश्यक बेमतलब नहीं निकलें, और यदि बहुत ही आवश्यक हो तो वो निकल सकते हैं। आवश्यक चीज़ों की दुकानें जैसे दूध है, सब्जियां हैं, फल की दुकानें हैं, किराना की दुकान है, ये खुली है, तो किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। परंतु इस कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है कि लोग घरों में रहें। सर, देखा जा रहा है इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोग बाग पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, इस पर देखिए, हम तो यही कहते हैं कि बिना जनता के सहयोग से कुछ भी संभव नहीं है, और पिछला अनुभव भी हमारा रहा है कि जनता का बहुत सहयोग हमारे साथ रहा है और इसी का प्रतिफल है कि आप देख सकते हैं आज बाज़ारों में बिल्कुल सन्नाटा है, और ये जनता के सहयोग की वजह से संभव हुआ है। सब कुछ सख्ती से नहीं बल्कि समझाइश से की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है।